अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद एससी बिकबाल। तो आज जो थे वो पेरेंट्स डे था कैडेट कॉलेज ससमदाल का, 24 दिसंबर 2022 है आज। तो उस पेरेंट्स डे पे एक पहला इवेंट है कि पेरेंट्स आएँ और क्लब्स की जो एग्जीबिशन है, जो उन्होंने सारा साल काम किया, क्लब्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आके देखें। तो मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ उसके ऊपर बनाई हैं, उसको असेंबल किया है। तो पहले हम वो देखेंगे और उस अगली वीडियो में हम पेरेंट्स डे को भी विजिट करेंगे, पेरेंट्स डे कैसा था। तो पहले हम एग्जीबिशन विजिट करते हैं और वो वीडियो देखते हैं। तो आए मेरे साथ। तो जी, ये पेरेंट्स डे में हम एंटर हुए तो हमें एग्जीबिशन की तरफ लेके जाया गया और मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स को उधर ही मिल लिया था। और एयू ब्लॉक में एग्जीबिशन थी नई मॉल में और उधर कुछ क्लासेस में लगी हुई थी क्लब्स और सोसाइटीज़ की। तो मैं, मेरे बाबा, नाना, हम सारे मिलकर उस तरफ चल पड़े। तो एंटर होते ही साथ नई मॉल में खूबसूरत डेकोरेशन हुई हुई थी और डिफरेंट क्लब्स के स्टॉल्स थे, उनके साथ उनके स्टॉल बॉयज़ भी खड़े थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ें कि उनके मॉडल और प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। तो बायोलॉजी क्लब का है, सामने कैलीग्राफी क्लब है और स्टॉल बॉयज़ साथ खड़े होकर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे थे हर सारों के सामने। तो ये अब एल्पाइन क्लब है और एल्पाइन क्लब की जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो पड़ी हुई हैं और जो कि पहाड़ चढ़ने में काम आती हैं। उसके आगे जो है फोटोग्राफी क्लब है, फोटोग्राफी क्लब ने भी सारा साल जो अच्छी फ़ोटोज़ लीं और जो कुछ किया उनकी कंट्रीब्यूशन भी सामने उनके स्टॉल पे लगी हुई थी। कैलीग्राफी क्लब हमें पसंद आया तो मैंने उसकी भी पिक्चर ले ली और ये जो है लड़कों ने जो सारा साल कैलीग्राफी की। आर्ट्स क्लब के साथ मेरी पिक्चर है, ये आर्ट क्लब का स्टॉल है जो उन्होंने पेंटिंग्स की उसके साथ। अब ये बायोलॉजी क्लब है, वो मेरे पेरेंट्स को समझा रहे हैं जो स्टॉल बॉय खड़े थे। रोबोटिक्स क्लब की बारी है ये। तो रोबोटिक्स क्लब में डिफरेंट प्यारे अच्छे रोबोट्स बनाए हुए थे जिनमें क्यू सॉल्वर, एमसीक्यू चेकर भी था और साथ साथ ये कुछ ट्री प्लांटेशन वाला रोबोट भी था। वो स्टॉल बॉयज सारा कुछ गाइड करते थे, साथ इसको चला के भी दिखाते थे। तो इसी तरह एक डिफरेंट क्लब्स का एक अच्छी एक्टिविटी रही हमें इसको विज़िट करने का और बहुत मज़ा आया। तो ये थी